गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ग्राफ थ्योरी को स्टार्ट किया था। उसमें हमने ग्राफ और उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में जाना था और उसके एग्जांपल्स भी किए थे। आज हम ग्राफ थ्योरी के कुछ थ्योरम्स करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में अधिकतर थ्योरम्स आती है, लेकिन जब तक आपको थ्योरम्स करने के लिए आपको जो उसकी डेफिनेशंस नहीं आएंगी, डिग्री की, वर्टिसेस की और भी नल ग्राफ की, बहुत सारी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है, जब तक वो नहीं आएगी तब तक आपको थ्योरम्स सिद्ध करनी नहीं आएगी। तो इसलिए आप पिछले वीडियो में जा करके मेरे लिंक पे जाइए और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका भी लिंक दे दूंगी, उसमें आप देख सकते हैं। अब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम वन है हमारी, फॉर एनी ग्राफ जी विथ ई एजेस, कोई भी हमारे पास में ग्राफ जी है और जिसका कि एजेस ई है और एन वर्टिसेस उसके हैं, मतलब कि किसी भी ग्राफ में अगर हमारे पास में जो ग्राफ है हमारा वो है वी कॉमा ई, जहाँ पर कि वी हमारी शीर्ष है और ई हमारी कोर है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब हमको ये दिया हुआ है कि ई तो हमारे पास में कोरे हैं और एक जो ग्राफ है उसमें ई कोर, हम जितने ग्राफ जो दिया होगा उसी में गिन के पता करेंगे, और वी जो वर्टिसेस दी हुई हैं वो हमारी एन वर्टिसेस हैं, वी एन, यानी कि वी वन, वी टू, वी थ्री अप टू वी एन। अब इन वी एन वर्टिसेस से बनने वाले ग्राफ की जब हम डिग्रियों का सम करते हैं तो वो हमारा एजेस के दुगना होता है, यानी कि कोरों के दुगना होता है। किसी भी शीश की कोटी का जब हम जोड़ करते हैं तो हमें ये सिद्ध करना है कि वो कोरों से दुगना होता है। अब एग्ज़ाम में जो थ्योरम है वो इस तरह से भी आ सकती है और इस तरह से भी आ सकती है। सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ग्राफ इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ द एजेस, या किसी ग्राफ में उसके सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या का दुगना होता है। अब हम इसे सिद्ध करते हैं और मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ सिद्ध करना बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द ग्राफ जी इज इक्वल टू वी ई हमारे पास में है, जिसमें कि नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो ई है, उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वो जितनी भी एजेस हैं ई वन, ई टू, ई थ्री, ई एन, ई एन प्लस वन, उसको हमने ई से डिनोट किया है। और नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हमारी हैं वो एन हमको दी हुई है, वी वन से लेके वी एन तक ये हमारे वर्टिसेस हैं। अब ईच एजेस कंट्रीब्यूट टू द डिग्री सम, जब हम किसी भी एज को, एक सपोज़ ये हमारे पास में एज है तो इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक ये और एक ये, इसका मतलब इस वर्टेक्स से निकलने वाली डिग्री को जब हम गिनते हैं, मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्टेक्स, ये वी वन है, ये वी टू है, तो जब हम इसकी डिग्री को निकालते हैं तो इससे निकलने वाली कोरों की संख्या को हम गिनते हैं। तो यहाँ पर ये कोर वन है, इसी तरह से डिग्री ऑफ वी टू, तो इस वी टू से निकलने वाली कोर कितनी है, वो भी वन है, तो वो वन हो गई। तो टोटल डिग्री कितनी हो गई, जितने भी वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री को हम जोड़ दें तो ये हो गया डिग्री ऑफ वी वन प्लस डिग्री ऑफ वी टू, विच इज़ इक्वल टू वन प्लस वन इक्वल टू टू। और एच कितनी है यहाँ पर, कोर कितनी है हमारे पास में, ई वन, वन है, तो ये कितना हो गया, ट्वाइस इंटू वन। तो ये यहाँ से ही, इस एग्जाम्पल से ही हम इसको सिद्ध कर दिया हमने कि ये किसी भी वर्टेक्स की जो डिग्री है उनको जब हम जोड़ें तो वो उसकी एज का दुगना आंसर उसका आता है। तो इसको जो लिखने का तरीका है बस ये इतना सा ही है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसको आपको समझना है और एक आध एग्जाम्पल एग्ज़ाम में भी देना है। इसलिए ग्राफ जी में वर्टिसेस की डिग्री को जोड़ने पर एवरी एज काउंट्स टू टाइम्स, मतलब ग्राफ में सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल ग्राफ जी में कोरों की संख्या का दुगना होता है। ये मैंने अभी आपको यहाँ पर एग्जांपल में बताया, दैट इज़ वी आई इज इक्वल टू वी वन से वी एन तक, डिग्री ऑफ वी आई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई। एक और आदमी साथ में, ये तो हमने गिन लिया डिग्री का। अब हम एक लूप का भी जब हम देखते हैं तो कोई भी एक वर्टिसेस है वी, एक ही वर्टेक्स है, लेकिन इसकी जब लूप होता है इस पर, ये घूम के वापस आ जाता है इसी पे, एक ही वर्टेक्स का एंड भी यही है, स्टार्ट भी यही, एंड भी यही, तो जब ये घूम के आता है तो इस एज को हम दो गिनते हैं। तो यहाँ पर
डिग्री ऑफ वी वन इक्वल टू टू हो जाती है, तो ये भी इवन नंबर हो गया। ए एच तो वन है तो ये टू इंटू वन हो गया, तो यहाँ भी दो हो गया। तो हमारे पास में क्या है, इन ग्राफ जी देयर हैज लूप, देयर हैज अ लूप, देन वी नो दैट एवरी लूप काउंट्स टू टू दिस सम, ऑल्दो द टू एंड्स आर आइडेंटिकल। ये जो एंड्स है इसका पहला और यही दूसरा है इसका, दोनों सेम है। तो आई इक्वल टू वन टू एन, डिग्री ऑफ वी आई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई। इससे अब इसी थ्योरम को और सिद्ध करने के लिए मैं आपको और एग्जांपल से समझाती हूँ। ये हमने यहाँ पर दो वर्टिसेस लिए थे, वी वन और वी टू। अब हम यहाँ पर तीन वर्टिसेस लें, सपोज ये हमने लिए तीन वर्टिसेस, वी वन वी टू वी थ्री। तो यहाँ पर एजेस कितनी हो गई, ई वन ई टू और ई थ्री। अब हम पहले डिग्री निकालेंगे, तो डिग्री ऑफ वी वन इक्वल टू कितनी है, टू। यहाँ पर ये देखेंगे कि ये यहाँ से निकलने वाली दो रेखाएं हैं, तो ये कितनी हो गई, डिग्री ऑफ वर्टिसेस हमारे पास में हो गई टू। इसी तरह से डिग्री ऑफ वी टू हमारे पास में भी टू है, वी टू से भी हमारे पास में दो एज निकल रही है, ई वन और ई थ्री। इसी तरह से डिग्री ऑफ वी थ्री, इससे कितनी एजेस निकल रही हैं, तो ये निकल रही हैं हमारे पास में ई थ्री और ई टू, ये भी दो निकल रही हैं। तो इसका मतलब समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वी ये कितनी हो गई, टू प्लस टू प्लस टू विच इज़ इक्वल टू सिक्स, और सिक्स हमारे पास में होता है टू इंटू थ्री। अब यहाँ भी हम देखते हैं कि हमारे पास में एजेस जो हैं वो तीन हैं, तो यहाँ पर जो समेशन ऑफ डिग्री वी आई इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई, ये भी सिद्ध हो जाता है यहाँ से भी, ट्वाइस इंटू एजेस। इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल और आगे दूसरा एग्जांपल आपको बताऊँ, तो दूसरा एग्जांपल सपोज करिए कि हमने एक स्क्वायर का लिया। अब इस स्क्वायर में चार वर्टिसेस हो गए, वी वन वी टू वी थ्री एंड वी फोर। इसमें एजेस कितनी हो गई, ई वन ई टू ई थ्री और ई फोर। तो सबकी डिग्री निकालें अगर हम, तो डिग्री ऑफ वी वन, तो वी वन की डिग्री कितनी है, वन और ये टू, जितनी कोरे निकलेगी उतनी ही इसकी डिग्री होती है, तो ये वन और टू। इसी तरह से वी टू की भी वन और टू, तो वी टू डिग्री ऑफ वी टू इज इक्वल टू टू, डिग्री ऑफ वी थ्री इक्वल टू टू एंड डिग्री ऑफ वी फोर इक्वल टू टू। तो इन सब को जब हम सम करें, समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वी कितना हो गया, एट, और विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस इंटू फोर, और हमारी एजेस कितनी हैं, फोर है, तो ये भी हमारा सिद्ध हो जाता है। इसी सवाल में अगर मैं इसी सवाल में यहाँ पर ये इस वर्टिसेस को इससे जोड़ दूँ, इस वर्टिसेस को इससे जोड़ दूँ, तो ये ई फाइव और ई सिक्स। तो यहाँ पर वर्टिसेस तो चार ही हैं लेकिन एजेस हमारे पास में छः हैं। अब ये कैसे होती हैं इसको भी देखिए। जैसे यहाँ पर अब हम इस वाले की जो डिग्री निकालें, डिग्री ऑफ वी वन इज इक्वल टू कितना हो गया इस वाले सवाल में, थ्री हो गया, ये देखिए एक दो और तीन। इसी तरह से वी टू की भी तीन निकल रही है यहाँ पर, डिग्री ऑफ वी टू इक्वल टू थ्री, डिग्री ऑफ वी थ्री इक्वल टू थ्री एंड डिग्री ऑफ वी फोर इक्वल टू थ्री। मतलब समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वी, जितने भी डिग्री ये वी वन से वी फोर हैं, आई इज इक्वल टू वन टू फोर, ये कितना हो गया, ट्वेल्व हो गया हमारे पास में, और ट्वाइस इंटू सिक्स। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, इसमें हमारे पास में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एजेस हो गई, तो ये ट्वाइस दी एजेस हो गया, ट्वाइस इंटू एजेस हो गया। तो ये इस तरह से हमारे पास में ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम हमारी सिद्ध होती है कि अगर हमारे पास में जितनी भी वर्टिसेस हैं, अगर हम उनकी डिग्रियों का सम करें, तो वो उनकी जो कोरे हैं उनके दुगने के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, जो भी आपको अगर मेरे ये समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो भी मिले, और जो मैंने पहले भी अपलोड कर रखी हैं बहुत सारी फर्स्ट ईयर की वीडियो, उनके बारे में भी आपको जानकारी मिले। नाउ अब हम आगे थ्योरम सेकंड करेंगे, स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्रीज इन अ ग्राफ जी इज ऑलवेज इवन, यानी कि
ग्राफ जी में विषम कोटि के शीर्ष की संख्या सदैव एक सम संख्या होती है। अब आप ये देखेंगे कि जो हमारे पास में कोई भी ग्राफ है उसमें डिग्री विषम भी हो सकती है, सम भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ग्राफ है, जी इज इक्वल टू वी इंटू ई इज़ अ ग्राफ एंड नंबर ऑफ एजेस आर ई। ई को हम ए वन ई टू ई थ्री जितने भी वो आएंगे उसमें हम लिखेंगे। देन वी नो दैट, हमने अभी ये ऊपर प्रूव किया था कि जो डिग्री ऑफ वर्टिसेस है उन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो वो ट्वाइस ऑफ एजेस के बराबर होती है। और हम ये भी जानते हैं, वी ऑल्सो नो दैट इन एनी ग्राफ देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्टिसेस, सम आर इवन डिग्री, कुछ तो हमारी क्या होती है सम कोटि होती है, कुछ हमारी विषम कोटि होती है। तो मान लेते हैं कि दो तरह की है, वी वन तो हमारे जो है वो विषम कोटि की है और वी टू हमारी सम कोटि की डिग्री है। तो जो जितने भी हमारे पास में जितने भी हमारे पास में वर्टेक्स हैं या शीर्ष हैं वो कितने शीर्ष हैं, वी वन प्लस वी टू। वी वन तो हमारे पास में क्या है, जितने भी जो शीर्ष हैं वो वी वन जिसके की कोटि हमारे पास में ऑड है और वी टू जिनकी कोटि हमारे पास कोटि हमारे इवन है। तो हम अब इक्वेशन नंबर जो ये वन है हमारा, ये वाला, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर वन है, इस इक्वेशन नंबर वन से हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ वी वन डिग्री ऑफ वी प्लस समेशन ऑफ वी टू डिग्री ऑफ वी इज इक्वल टू कितना है, दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो वो ट्वाइस ऑफ वी के बराबर हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये जो ट्वाइस ऑफ ई है ये सम संख्या है, ये क्या है सम संख्या है, और जो ये डिग्री ऑफ वी टू की वी है ये भी सम है, इसकी भी सारी डिग्री सम है। तो जब हम दो सम संख्याओं का अंतर करते हैं तो वो हमेशा सम संख्या ही आता है। तो ये जो विषम जिसके जिन वर्टिसेस की डिग्रियां विषम होंगी उनका भी हमारे पास जब हम उनको जोड़ेंगे तो वो सम ही आएगा, बिकॉज वी टू आर द सेट ऑफ वर्टिसेस हुज डिग्रीज आर इवन, दैट इज एवरी वर्टेक्स ऑफ वी टू हैज़ इवन डिग्री। नाउ इन इक्वेशन नंबर थ्री, टू ई ये हमारे पास में इवन है जैसे कि मैंने अभी बताया, ये वाली हमारे पास में इवन है। तो जो दो हमारे पास में इवन नंबर्स है उनका जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो भी इवन नंबर होता है। दैट इज समेशन ऑफ वी इज एलिमेंट ऑफ वी वन डिग्री ऑफ वी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई माइनस समेशन ऑफ वी इज एलिमेंट ऑफ वी टू डिग्री ऑफ वी। और ये इवन है और ये इवन है, दोनों में इवन में से इवन माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, इवन नंबर। इसका मतलब विषम कोटि के शीर्षों की संख्या भी सम होती है, सम कोटि के शीर्षों की संख्या तो सम होती है, विषम कोटि के शीर्षों की संख्या भी हमेशा सम होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है, जो ये थ्योरम है ये एग्ज़ाम में आ सकती है, तो इस थ्योरम को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो जो आप बोलते जा रहे हैं जैसे मैं आपको समझाती जा रही हूँ उसको वैसे वैसे आप लिखते चले जाएंगे तो आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। अब कुछ हमारे पास में स्पेशल ग्राफ हैं, उन स्पेशल ग्राफ को हम पढ़ते हैं। रेगुलर ग्राफ, रेगुलर ग्राफ यानी नियमित ग्राफ किसे कहते हैं। अ ग्राफ जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ इफ़ एवरी वर्टेक्स हैज़ सम डिग्री। प्रत्येक जो शीर्ष है हमारा उसकी कुछ ना कुछ डिग्री होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं रेगुलर ग्राफ। इफ़ इन अ ग्राफ जी द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज के, देन इट इज़ कॉल्ड द के रेगुलर ग्राफ। अब इसके हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स, अगर सपोज हम मैंने ये एग्जाम्पल लिया, तो इस एग्जाम्पल में ये डिग्री, ये वी वन, ये वी टू, ये वी थ्री, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में, समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वी वन प्लस डिग्री ऑफ वी, इसको लिख लेते हैं हम, वी इज एलिमेंट ऑफ वी वन टू वी थ्री। तो डिग्री ऑफ वी वन कितनी हो गई, दो यहाँ से यहाँ निकली, प्लस ये दो प्लस दो, विच इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में, सिक्स। अब इसको हम क्या बोलेंगे, टू इंटू थ्री, थ्री एजेस हैं और ट्वाइस इसका ये हो गया, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं टू रेगुलर ग्राफ।
टू रेगुलर ग्राफ कैसे हुआ यहाँ पर? क्योंकि हर वर्टिसेस से दो कोरे निकलती है, एक इधर से, यहाँ से ये ई वन, ये ई टू, ये ई थ्री। तो वी वन से कौन कौन सी कोर निकल रही है? ई वन और ई टू। इसी तरह से वी टू से कौन सी निकल रही है हमारे पास में? ई वन और ई थ्री। इसी तरह से वी थ्री से हमारे पास में होती है ई टू एंड ई थ्री। तो जो ये हर वर्टिसेस से दो हमारे पास में एजेस निकल रही है तो उसको हम बोलते हैं टू रेगुलर ग्राफ। इसी तरह से हमारे पास में जब हम इसको लेते हैं, इसको देखिए, यहाँ पर भी ये वी वन, वी टू, वी थ्री और वी फोर है और सबकी डिग्री यहाँ पर टू है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? क्योंकि हर डिग्री से टू निकल रही है इसमें से एजेस, तो हम इसको भी कहेंगे टू रेगुलर ग्राफ। तो इसी तरह से अगर हम थ्री का लें, इसी में हम यहाँ पर इस वर्टेक्स को, इन चारों वर्टेक्स को इस तरह से जोड़ दें, वी वन, वी टू, वी थ्री एंड वी फोर। तो यहाँ पर जो ये वी वन की कितनी डिग्री हो गई? तीन। वी टू की भी तीन, वी फोर की भी तीन। तो जितनी इसकी सबकी एक डिग्री समान होनी चाहिए वो डिग्री है, तो ये कितना हो गया? थ्री रेगुलर ग्राफ। तो इस तरह से रेगुलर ग्राफ क्या है? तो हम जिसकी डिग्री जो हमारे के होगी, अगर वर्टेक्स की डिग्री के है तो हम ये कहेंगे कि वो के रेगुलर ग्राफ कहलाता है। हर वर्टेक्स की डिग्री समान होनी चाहिए तब वो एक नियमित ग्राफ कहलाता है। अब हम देखते हैं कंप्लीट ग्राफ, यानी कि पूर्ण ग्राफ। पूर्ण ग्राफ वो होता है जिसमें कि जितने भी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस जो है वो एजेस से जॉइन होनी चाहिए। जैसे हम, मैं यहाँ पर एक ये ग्राफ लेती हूँ, ये मैंने ग्राफ लिया वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर। अब यहाँ पर ये वी वन केवल वी थ्री और वी टू से जुड़ा हुआ है, तो ये रेगुलर ग्राफ है। जब इसको मैं इससे भी जोड़ दूँगी और इसको मैं इससे जोड़ दूँगी, तो यहाँ पर ये जो वी वन है, वी वन किस किस से जुड़ा हुआ है? वी टू, वी थ्री एंड वी फोर से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से वी टू जो है ये वी वन से, वी थ्री से एंड वी फोर से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से वी थ्री और इसी तरह से वी फोर, वी वन, वी टू एंड वी फोर से जुड़ा हुआ है, वी वन, वी टू एंड वी थ्री से जुड़ा हुआ है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा ये वर्टिसेस वी वन है ये इन तीनों से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ये वी टू है ये इन तीनों से जुड़ा हुआ है, वी फोर भी तीनों से जुड़ा हुआ है और वी थ्री भी तीनों से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी वर्टिसेस हैं वो दूसरे वर्टिसेस से, सारे जितने भी दूसरे वर्टिसेस उस ग्राफ के अंदर हैं उससे वो जुड़े हुए होने चाहिए, तब हम ये कहते हैं कि ये के रेगुलर ग्राफ या ये रेगुलर ग्राफ कहलाता है। तो जैसे कि ये पॉइंट है तो ये के वन है, ये हमारा होता है के वन रेगुलर ग्राफ। ये दो पॉइंट है हमारे पास में, दो से जुड़े हुए हैं वी वन और वी टू, ये हमारा वी वन है तो ये हमारा है के टू रेगुलर ग्राफ। इसी तरह से थ्री से हम करें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर वी वन, वी टू, वी थ्री, ये V1 इन दोनों से जुड़ा है, V2 इन दोनों से, तो ये हमारा हो गया K3 रेगुलर ग्राफ। इसी तरह से ये जो हमने लिखा है ये है K4 रेगुलर ग्राफ। और अब हम K5 बनाएं, तो हम इसको ये पांच पॉइंट ले लेते हैं, ये यहाँ पर लिया हमने ये। अब ये पांच वर्टिसेस हो गए V1, V2, V3, V4, V5। अब हर वर्टिसेस चार उससे जुड़ा होना चाहिए, तो ये इससे वन, टू, थ्री और ये फोर, ये इन चारों से जुड़ गया। इसी तरह से ये वी टू एक, दो और तीन, ये जुड़ा है इससे, जुड़ा दे, इस तरह से ये इससे जुड़ गया, तो ये हमारा हो गया के फाइव, ये वाला के फोर है। तो इस तरह से आगे भी और निकालते चले जाओगे तो जितने भी वर्टिसेस हैं वो एक वर्टिसेस बाकी सारे वर्टिसेस से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो उसे हम कंप्लीट ग्राफ या पूर्ण ग्राफ भी कहते हैं। कंप्लीट ग्राफ को हम क्लिक या यूनिवर्सल ग्राफ भी कहते हैं। एवरी कंप्लीट ग्राफ इज रेगुलर ग्राफ, प्रत्येक कंप्लीट ग्राफ जो हमारा है, पूर्ण ग्राफ जिसे कहते हैं, प्रत्येक पूर्ण ग्राफ हमारा नियमित ग्राफ होता है। ये जो हमारा पूर्ण ग्राफ है ये नियमित ग्राफ होता है, लेकिन
प्रत्येक नियमित ग्राफ पूर्ण ग्राफ नहीं होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें, ये हमारे पास में इसके वर्टिसेस हमारे पास में हैं V1, V2, V3, V4। अब इसके सबकी डिग्री 2 है, हर वर्टिसेस की डिग्री 2 है, तो ये हमारा रेगुलर ग्राफ यानी कि नियमित ग्राफ तो हो ही गया, लेकिन ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है क्योंकि हर वर्टिस से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर V3 से जुड़ा हुआ नहीं है, या V2 V4 से जुड़ा हुआ नहीं है, V2 V4 से जुड़ा नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि कंप्लीट ग्राफ जो रेगुलर कंप्लीट ग्राफ है उसका रेगुलर ग्राफ होना जरूरी नहीं है, पर रेगुलर ग्राफ जो है वो कंप्लीट ग्राफ सॉरी रेगुलर ग्राफ जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट ग्राफ हो, लेकिन कंप्लीट ग्राफ जो होता है वो रेगुलर ग्राफ होता है। अब हम इस थ्योरम नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। लेट जी बी ए कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस, देन इट हैज़ n(n-1/2) नंबर ऑफ एजेस। यानी कि अगर हमारे पास में कोई ग्राफ जी है और वो कंप्लीट ग्राफ भी है साथ में, तो उसमें जो n वर्टिसेस हैं, अगर वर्टिसेस की संख्या n है, अगर उसमें वर्टिसेस की संख्या n है यानी कि शीर्ष उसमें n है, तो जो कोरे हैं वो होगी n(n-1/2)। ये हमारी थ्योरम है जिसे हमें सिद्ध करना है। अब n शीर्ष वाले ग्राफ में कोरों की संख्या n(n-1/2) होती है, ये हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव। तो सिद्ध करते हैं हम इसको। वी नो दैट इन कम्प्लीट ग्राफ एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड विद अनदर ग्राफ। हम जानते हैं कि जो पूर्ण ग्राफ होता है उसमें जितने भी शीर्ष होते हैं वो दूसरे शीर्षों से सारे शीर्षों से जुड़ा होता है। तो जो पहला शीर्ष है n ग्राफ में से, जो पहला है वो कितने से n-1 से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, दूसरा भी n-1 से, क्योंकि हमारे पास में n है, तो ये सारे n-1 शीर्ष से जुड़ेंगे। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स कितनी हो गई, जितनी एक शीर्ष जितने वर्टेक्स से जुड़ता है वो उसकी डिग्री होती है, तो ये होगी n-1। अब सम ऑफ n वर्टिसेस कितना हो गया, n-1 को अगर हम n टाइम जोड़ेंगे, यहाँ देखिए अगर हम इनको सबको जोड़ें, यहाँ पर n-1 + n-1 + n-1 up to n टाइम्स, जैसे कि हम 1 + 2 + 3 n टाइम्स करते हैं तो वो कितना हो जाता है, n हो जाता है। इसी तरह से जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया n(n-1) हो जाएगा। तो और हम ये जानते हैं कि किसी भी वर्टेक्स की डिग्री, जितनी भी किसी ग्राफ में जो भी डिग्री है उनको अगर हम जोड़ें तो वो ट्वाइस ऑफ एजेस के बराबर होती है। तो जब हमने इनको जोड़ा तो ये कितना आया, n(n-1) डिग्री ऑफ वर्टिसेस कितनी हो गई, n(n-1) क्योंकि ये वी एन है, is equal to 2n। तो एजेस कितनी बची हमारे पास में, 2 से डिवाइड कर दिया, n(n-1/2)। यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था कि n शीर्षों वाले ग्राफ में कोरों की संख्या n(n-1/2) होती है, कंप्लीट ग्राफ में, n शीर्ष वाले पूर्ण ग्राफ में, पूर्ण ग्राफ में कोरों की संख्या n(n-1/2) होती है। ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। कंप्लीट ग्राफ के n इज कॉल्ड n-1 रेगुलर ग्राफ। अब इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक कंप्लीट ग्राफ है, ये V1, V2, V3, V4 ये कंप्लीट ग्राफ हो गया हमारे पास में, क्योंकि डिग्री ऑफ V1 = 3, डिग्री ऑफ V2 = 3, डिग्री ऑफ V3 = 3, डिग्री ऑफ V4 = 4, सबकी डिग्री सेम है, यहाँ पर ये आएगा 3। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, कंप्लीट ग्राफ हो गया, कौन सा हो गया, K4। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3 रेगुलर ग्राफ, जितनी इसकी जो एजेस आई हैं उतना ही हम इसको बोलते हैं, तो ये हो गया 3 रेगुलर ग्राफ,
जो नियमित ग्राफ होता है उसको हम 1, 2, 3 कैसे देते हैं, जितनी भी किसी एक वर्टेक्स की डिग्री होती है उतना ही हम उसको नाम देते हैं कि ये हमारा ये रेगुलर ग्राफ है। तो यहाँ पर एक हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है, तो हमने यहाँ पर इसको दिया नाम 3 रेगुलर ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए ये K4 है, तो 4 अगर इसकी वर्टेसेस है तो कंप्लीट ग्राफ की, तो रेगुलर ग्राफ में कितना हो जाएगा N4-1=3 रेगुलर ग्राफ में। तो इस तरह से आपको ये थ्योरम्स, मैंने आपको इस चैप्टर में 3 थ्योरम्स कराई हैं, इन थ्योरम्स को आप समझिए और याद करिए। और स्टूडेंट्स अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में जाकर के मुझसे वापस से पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो में थोड़ा बहुत भी ऐसा लगता है कि कुछ समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं और जो पीछे भी मैंने इसमें वीडियोज़ बहुत सारे डाल रखे हैं फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के, तो आपको फर्स्ट ईयर के जितनी भी बुक्स हैं इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल उन सब को प्लेलिस्ट में जा करके आप पढ़ सकते हैं उसमें से। थैंक यू।